धोरण छ विषय हिंदी इकाई छठा सुबह पेज नंबर 37 खुला रखिए। पाठ की शुरुआत करते हैं, उससे पहले जानकारी ले ले पाठ की। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते, ये बीमारी का नाम तो सुना होगा पोलियो की, पाँव में जान नहीं रहती, चल नहीं पाते। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। पोलियो ना बे टीपा आवे छे। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उनके इरादों में कमी बाधा नहीं बनती। वह जिंदा दिल एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, उसका निरूपण इस घटना में किया गया है। पाठ की शुरुआत। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। व्यस्त होना काम में लगे रहना, कोई सामान झाड़ रहा है, सामान को सफाई कर रहा है, तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है, जाड़ो करोड़ो जाड़ो करी जाए ने। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है, विशेष बात होना। माँ आज कोई खास बात है, कोई विशेष बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हुए हैं, यानी कर रहे हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। तो उत्सुकता यानी के तीव्र इच्छा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? त्योहार यानी पर्व। पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, गाल को छूते हुए। ओहो मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ हो जाना, भूलने वाला व्यक्ति हो जाना। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, काम नहीं करना बेकार हो जाना। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। जान आना यानी चेतन आना, रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, यानी रोने वाले स्वर में, रोते हुए स्वर में। मदद तो मैं जरूर लूंगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी से धीरे धीरे धकेला यानी चलाया, और फिर दैनिक कार्यों में लग गई, यानी रोज करने वाले कार्य उसको दैनिक कार्य कहते। सुबह उठकर रात कर जो 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 अपन काम रोज करते हैं, नहाना धोना खाना नाश्ता करना दूध पीना, तो ये दैनिक कार्य कहा जाता है। रेशमा जब 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बेजान हो जाना यानी जान न होना, पैर में जान ही न होना। बहुत इलाज करवाया, इलाज करवाना यानी दवाई, उपचार कराना, दवाई कराना। रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, जान नहीं आना, बेजान हो जाना, चेतन हो जाना, अचेतन हो जाना। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब तो 11 साल की उम्र में भी सारे काम स्वयं करती है। स्वयं करना, खुद करना, अपने परिवार को अपने काम के लिए निर्भर नहीं रखना चाहती है। अपने परिवार को, अपने कुटुंब को काम करने के लिए निर्भय रहना, भरोसे, किसी के भरोसे वह रहती नहीं, अपने खुद के काम वह खुद करती। परिवार के सभी सदस्य यानी सभी व्यक्ति, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी बहुत प्यार करते हैं। वह सभी की आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना। माँ ने रसोई घर के सारे बर्तन डिब्बे बोतले नीचे उतार कर साफ कर दिए। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशू अगर तूने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बताऊं, यानी काम करने लगो। हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। दलिया मेवे वाला, मेवे यानी मेवे में सूखा फल होते हैं जैसे बादाम काजू किशमिश, और दलिया दरदरे गेहूं के आटे से बना हुआ होता है।
माँ ने हाथ धोकर आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी से धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा ने माँ के बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाना लगा लगा कर पकड़ाती गई। माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती रही, व्यवस्थित ढंग से एटले सही तरीके से। रसोई घर फिर भी चमकने लगी, चमचमकने लगी एटले चमकना। पिताजी दफ्तर चले गए, दफ्तर यानी ऑफिस, आवाज देना यानी बुलाना पुकारना, माँ ने अरे हाथ बटाना यानी काम में मदद करना। माँ माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा था। दादी जी बहुत बुजुर्ग है, दादी जी बुजुर्ग होना यानी उम्र ज़्यादा होना, अथवा यानी दूसरा तो उम्र में बड़े बूढ़े होना। अब सामान लाए कौन, माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा कि मैं सामान ले आती हूँ, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दीजिए। मैं तुम ले आओगी अकेली, माँ ने पूछा। माँ ने हाँ माँ, एक बार पहले भी लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, दृढ़ता होना मजबूती थी कि मैं ले ही आऊँगी, आगे भी मैं ले आई थी एक बार, तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान मिल जाएगा। नुक्कड़ यानी नाका, गली का जो नाका रहता है वहाँ। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू लो ये तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ, टॉफ़ी यानी चॉकलेट। गोलू टॉफ़ी पाकर खुद से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीत गए। एक दिन शाम को रेशमा घर घर के दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगा रही थी, यानी झिलमिल झिलमिल लाइट की जगमगाने का प्रकाश। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन पर क्या आसमां, क्या जमी क्या आसमां, यानी कि जमीन और आसमां का आसमां समान होना। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है, सत्य की असत्य पर सदा जीत होती है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ तक पाठ की पढ़ाई करना और सारा पाठ एक बार ध्यान से पढ़ लेना और एक पैराग्राफ एक फकरा सुवाच्य अक्षरों से अनुलेखन भी लिखना। अस्तु।